हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन, जो कि मेरे को एक डाउट आया कि स्टूडेंट का, तो मैंने सोचा उसका वीडियो बना ले ताकि हम और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। तो यहाँ पे आपको देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब मैंने इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के और भी वीडियोस बना रखे हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इजी वाले क्वेश्चंस भी, ताकि आपको देख के कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे आपको करना है। तो वो आप चाहे तो वो आप देख सकते हो वीडियोस, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करोगे तो मेरे जो भी नए वीडियोज़ हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो हमको पहले क्या करना होता है, हम देखते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स और वाई का, कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो सेम है तो हमको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों एक्स का क्या है, कोफिशियंट अलग है, यहाँ पे वाई का भी कोफिशियंट अलग है। तो हमको क्या करना है, एक या तो एक्स का या तो वाई का हमको सेम करना है। उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो देखो हम एक्स को सेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं, सपोज़ हम x को सेम कर लेते हैं, तो सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, तो ये भी हो जाएगा 11 7 से 77, और यहाँ पे भी हो जाएगा 7 11 से 77 एंड 11 7 से 77, तो दोनों 77 बन जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। या आप इसमें भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। अगर इसमें करते हो तो इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ वाला जो नंबर है उसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 7 से ही मल्टीप्लाई किया और 11 से, तो मैंने ये दोनों इक्वेशन को पहले यहाँ राइट डाउन कर लिया, और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, और जो ये सेकेंड इक्वेशन है उसमें मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारा 7 का जो x का जो कोफिशियंट है वो सेम हो जाए और हम उसको एलिमिनेट कर दें, और y का उससे हम वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पे हमने किया है, और हमको करना है तो ये 7 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन से करना है। तो हम करेंगे यहाँ पे 7 इंटू 11 एक्स किया हमने, 7 इंटू 11 एक्स प्लस है तो प्लस, देन 15y इंटू 7, देखो 15y मल्टीप्लाई 7, देन यहाँ पे प्लस 23, तो प्लस 23 एंड देन मल्टीप्लाई किसे करना है, 7 से। और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है नंबर, अगर दिया रहता तो हम यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई करते, इसलिए मैंने यहाँ लिख कर दिखा दिया है ताकि आपको दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो 0 इंटू 7, क्लियर यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड है, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी आपको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा 7x है, तो 7x मल्टीप्लाई 11, यहाँ माइनस 2y तो माइनस 2y मल्टीप्लाई 11 माइनस 20 इंटू 11, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 11, यहाँ तक क्लियर। अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 11 7 सा 77, मैंने लिख दिया 77x, प्लस है तो प्लस, 15 इंटू 7 इज 105, तो 105 एंड देन y, अब ये देखो प्लस, यहाँ 23 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आप यहीं से कर लो, 7 3 सा 21 तो 1 कैरी 2, 7 2 सा 14 एंड 15 16 तो 161 इक्वल टू 7 0 सा 0, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। इसी तरह आप इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 11 तो 77 एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 11 टू सा 22 वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, देखो 2 11 सा कर लो तो 2 11 सा 22, और लास्ट में एक जीरो दिया हुआ तो एक जीरो पुट कर लिया हमने, इक्वल टू 11 जीरो सा 0। अब देखो आपको एक और चीज़ देखना है, यहाँ पे ये दोनों का साइन क्या है, सेम है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नीचे वाले का सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। और अगर सपोज क्वेश्चन में ही दिया रहता, यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे जैसे दिया रहता माइनस 5x और प्लस 5x सपोज आपका आता, तो इस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैंसिल करोगे। और इस केस में हमारा दोनों का साइन सेम है, इसलिए हमने सबका साइन क्या किया, चेंज किया है, बेसिकली हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ पे भी माइनस था तो प्लस। अब ये क्या हो गया, एलिमिनेट कर दिया हमने, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, हमने एक्स को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। अब हमारे यहाँ पे क्या बच गया, देखो अब इसका माइनस साइन नहीं है, कौन सा साइन है, नया प्लस साइन,
तो प्लस प्लस इज प्लस, 105 प्लस 22, 5 प्लस 2 7, तो 7, 0 प्लस 2 0, 1 एज इट इज। y है तो y, इसमें देखो अब इसमें भी क्या है, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस नया साइन है, इसका माइनस साइन नहीं है, तो अब दोनों को हम प्लस करेंगे, तो 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 2 8 एंड 2 प्लस 1 इज 3। क्लियर, अब प्लस का साइन बड़ा है, ये 220 का साइन कौन सा है, प्लस, तो हमने इसलिए यहाँ पे प्लस साइन दे दिया, इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो 127y इज इक्वल टू हम करेंगे, अब यहाँ पे इस साइड था प्लस 381, तो 381 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 381, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 381। अब यहाँ पे 127y मीन्स 127 into y, तो y यहीं रह जाएगा और ये 127 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 381 माइनस अपॉन 127। अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे 127 और यहाँ पे 381 दिख रहा है, तो हमको लग रहा है चांसेस शायद डायरेक्टली कट जाए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 7 और यहाँ 1 है, तो 7 3 से 21 आता तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, तो हम डायरेक्टली इसको 127 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आता है ये 381, तो 37 से 21 का 1 कैरी 2, 32 से 6 7 8 एंड देन 31 से 3, तो 381 आ गया, इट मीन्स 127 3 से 381, तो 127 1 से 127, 127 3 से 381, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन, इट मीन्स आपको y का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 1, तो यहाँ से हमको y का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 1। अब ये y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ट्राई करो देखो कि कौन सा इजीली सॉल्व, ये छोटा नंबर है जैसे 2y है, यहाँ पे 15y, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए हम ये इक्वेशन सेकंड लेंगे, वैसे अगर आप दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, तो इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है वो पहले आप लिख लो, 7x माइनस 2y माइनस 20, देखो यहाँ से मैंने राइट डाउन कर लिया, इज इक्वल टू 0। अब हमको किसका वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है, तो 7x माइनस 2 इंटू वाई, तो y का क्या वैल्यू है हमारा, माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया मैंने गलती से, माइनस 3 है y का वैल्यू, क्लियर, यहाँ पे माइनस 3 था ना, माइनस 3, तो y का वैल्यू हमने माइनस 3 पुट किया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 7x, तो 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 7x एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 6 किया तो 14, 14 लिखा हमने, साइन किसका है बड़ा 20 के सामने, तो नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू माइनस 14 है तो वो उस साइड जाएगा, तो 14, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14, ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में जाएगा 7, और 7 टू जा 14, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 2। देयरफोर आवर आंसर इज y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 2। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।